खबर इस वक्त की आपको फिर बता दें, पाकिस्तान के कराची में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान लैंडिंग से ठीक एक मिनट पहले क्रैश हो गया। रिहायशी इलाके में ये प्लेन जा गिरा। विमान में 99 यात्री, 8 क्रू मेंबर्स समेत 107 लोग सवार थे। सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स के मारे जाने की आशंका है। कई मकान तबाह हो गए। पता जा रहा है कि लैंडिंग से एक मिनट पहले विमान का कंट्रोल रूम से संपर्क टूटा। कंट्रोल रूम से आखिरी बातचीत में पायलट ने बताया कि विमान में एक इंजन में खराबी आ गई है। बता दें, PIA का जो विमान क्रैश हुआ वो लाहौर से कराची की उड़ान पर था। कराची की गलियों में इसी तरह से धुएं का ये गुबार नजर आया क्योंकि रिहायशी इलाके में आकर ये विमान क्रैश हो गया। हालांकि जिस वक्त ये हादसा हुआ, एक मिनट पहले ही लैंडिंग से एक मिनट पहले ही ये रिहायशी इलाके में जा गिरा। और ये तस्वीरें, दो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जगह जगह पूरे इलाके में काले धुएं का ये गुबार और किस तरीके से रिहायशी इलाके में विमान के क्रैश होने के बाद गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। कई घरों में आग लगने की भी खबर आई। हालांकि लैंडिंग से एक मिनट पहले ही ये विमान क्रैश हो गया। कराची के रिहायशी इलाके में क्रैश हुए विमान की ये तस्वीरें, आसपास के उस इलाके की तस्वीरें जहां सब कुछ तहस नहस हो गया। जितनी गाड़ियां इस पूरी लोकेलिटी में खड़ी थी, जितने मकान थे, उनमें आग लग गई। हालांकि आसपास लोग इकट्ठा शुरू हुए और देखिए किस तरह से लोग वहां पर एकजुट होकर कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन जैसे ही रिहायशी इलाके में ये विमान क्रैश हुआ, 99 लोग उसमें सवार थे, 107 क्रू मेंबर्स को मिलाकर, कुल मिलाकर 107 उस विमान में लोग सवार थे, जिनके सभी के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन आसपास के इलाकों में किस तरह उस वक्त आग लग गई, कैसे दहशत का ये मंजर नजर आया, लोग बदहवास भागते नजर आए और मकान सब कुछ तहस नहस हो गए। क्योंकि कराची में जब ये विमान लैंड होने वाला था, एक मिनट पहले ही ये रिहायशी इलाके में जाकर क्रैश हो गया। हालांकि इसका ATS से जो संपर्क हुआ, पायलट की जो बातचीत हुई, वो भी सामने आ चुकी है और पायलट ने ये जानकारी भी दी कि विमान का एक इंजन खराब हो चुका है। ये क्रैश के वक्त की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। ये देखिए, उड़ान भर चुका था, लैंड होना था, बस एक ही मिनट बाद ये विमान लैंड होना था। अब अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि कई ऐसे गवाह हैं जिन्होंने अपने घर से विमान को क्रैश होते हुए देखा है, उनकी बातचीत भी आपको सुनाएंगे और ये आवाज आप गौर से सुनिए। एयरपोर्ट की तरफ लैंड करने की बजाय ये पास के रिहायशी इलाके में जाकर क्रैश हो गया और उसके बाद देखिए काले धुएं का ये गुबार। एक बार फिर से इन तस्वीरों को गौर से देखिए क्योंकि कुछ इसी तरह से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। और ये इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको हवा में वो विमान नजर आएगा, ये देखिए। और ये वो वक्त था जब ATS से उसका संपर्क टूट चुका था। पायलट ये जानकारी दे चुके थे कि विमान का एक इंजन पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। ये मोबाइल में ली गई कुछ तस्वीरें लोगों के जरिए अब सामने आ रही हैं। कुछ ऐसे चश्मदीद भी हैं जिन्होंने देखा कि विमान किस तरह से रिहायशी इलाके का रुख कर रहा है। विमान हादसे का ये अभी अभी वीडियो आया है, एक बार फिर से ये पूरा वीडियो देखिएगा। ये देखिए, अब वो तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें आ रही हैं जब विमान आग की लपटों से घिर चुका था। ये उस वक्त का मंजर है जब विमान का एक इंजन पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था और हवा में ही विमान में आग लग चुकी थी। विमान के पीछे की ये तस्वीर सामने आई है जिसमें 99 पैसेंजर्स थे, कुल 107 लोग थे और आग की लपटों से घिरा ये विमान रिहायशी इलाके में जाकर क्रैश हो गया। दो तस्वीरें आपके सामने, एक वो वीडियो जिसमें काले धुएं का ये गुबार भी नजर आ रहा है। गौर से इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो विमान आसमान से नीचे की तरफ आया और जैसे ही क्रैश हुआ वो आवाज भी इस वीडियो में कैद हुई और उसी के बाद आप देखेंगे काले धुआं यहां आपको नजर आएगा। और ये वो तस्वीर जब हवा में ही विमान में आग लग चुकी थी, विमान का एक इंजन काम करना बंद कर चुका था और ये जानकारी भी दे दी गई थी। ATS से संपर्क टूटने से पहले पायलट इस बात की इत्तला दे चुके थे कि विमान लैंडिंग से पहले खराब हो चुका है, इसका एक इंजन काम करना बंद कर चुका है। और अगर इस तस्वीर को आप गौर से देखेंगे तो आगे देखिए रनवे भी नजर आ रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि बस एक मिनट का वक्त बचा था कि ये विमान एयरपोर्ट पर जाकर लैंड करता, लेकिन उससे पहले ही रिहायशी इलाके में जाकर ये क्रैश हो गया। ये थोड़ी धुंधली तस्वीर जरूर लग रही है लेकिन अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो साफ नजर आएगा कि रिहायशी इलाके के आगे एयरपोर्ट है और इससे पहले कि ये रनवे की तरफ नजदीक पहुंचता, लैंडिंग से ठीक एक मिनट पहले ये विमान
क्रैश हो गया। रिहायशी इलाके में कैसे क्रैश हुआ उसका ये वीडियो भी अब सामने आया है। लैंडिंग से पहले का ये वीडियो जब विमान आग की लपटों से घिर चुका था, विमान के पीछे के हिस्से में अगर आप गौर से देखेंगे तो काला धुआं नजर आ रहा है क्योंकि आग से घिर चुका था ये विमान। और रिहायशी इलाके में जाकर जैसे ही ये विमान क्रैश हुआ जो घर थे उनमें आग लग गई, जितनी गाड़ियां उस इलाके में थी वो सब तहस नहस हो गई। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जब वहां अफरा तफरी का माहौल था और आसपास के लोग इकट्ठा शुरू होना आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और कुछ लोगों ने खुद अपनी आंखों से इस मंजर को देखा। कराची में हुए दर्दनाक हादसे की कुछ और अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालांकि एक सबसे बड़ी तस्वीर ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाई।